के बारे में फिर से आप सभी का स्वागत है। रियल एस्टेट में मंदी के बावजूद प्रॉपर्टी मार्केट में रोज नए कीर्तिमान बना रहे आवासन मंडल ने आज 4 मकानों की नीलामी की। इस नीलामी में भी आवासन मंडल की उम्मीद से कहीं ज्यादा की बोली लगी। नीलामी में बोली लगाने वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर की मानसरोवर योजना में हाई इनकम ग्रुप के 4 मकानों की नीलामी की गई। इनमें से 2 मकान मुख्य सड़क पर थे, जबकि 2 मकान 30 फीट चौड़ी सड़क पर थे। आवासन मंडल के मकान को लेने के लिए लोगों के क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक ही परिवार के लोगों ने खुद को बोली लगाने वालों के तौर पर रजिस्टर करवाया था। फिर 4 मकानों की नीलामी में इस मंदी में कुल 141 लोगों ने भाग लिया। नीलामी से आवासन मंडल के खजाने में 9,56,00,000 रुपए आए। मकानों की नीलामी बोली जबरदस्त। 278.12 वर्ग मीटर वाला मकान नंबर CBC H12 न्यूनतम बोली 86,60,000 रुपए थी। नीलामी में 43 लोगों ने भाग लिया। अधिकतम बोली 3,12,00,000 रुपए आई। 281.81 वर्ग मीटर वाला मकान नंबर CBC H13 न्यूनतम बोली 87,80,000 रुपए थी। नीलामी में 49 लोगों ने भाग लिया। अधिकतम बोली 3,15,00,000 रुपए लगाई गई। 262.50 वर्ग मीटर वाला मकान नंबर CBC H30, इसके लिए न्यूनतम बोली 81,00,000 रुपए रखी गई। नीलामी में 23 लोगों ने भाग लिया। अधिकतम बोली 1,64,00,000 रुपए लगाई गई। 262.50 वर्ग मीटर वाला मकान नंबर CBC H29 न्यूनतम बोली 81,00,000 रुपए थी। नीलामी में 24 लोगों ने भाग लिया। अधिकतम बोली 1,65,00,000 रुपए आई। मानसरोवर स्थित उप आवासन आयुक्त कार्यालय के परिसर में हुई इस नीलामी में आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा मौजूद थे। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बोली लगाने वालों की हौसला अफजाई की। पवन अरोड़ा ने बताया, वर्तमान में चल रहे ई ऑक्शन में भी बड़ी तादाद में मकानों की बिक्री हुई है। तो ई ऑक्शन में हमने जो एंड यूजर था उसके लिए बोली लगाई थी और नीलामी की प्रक्रिया जारी रखी थी, और कुछ प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ को हमने चिन्हित किया राजस्थान के बड़े शहरों में। उसी क्रम में आज जयपुर में मानसरोवर क्षेत्र में 4 बड़े HIG के जो मकान हैं उनका हम ऑक्शन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि 2 बड़े मकानों में 3 करोड़ से अधिक की, 3,12,00,000 रुपये और 3,15,00,000 रुपये की बोली पे वो मकान छोड़े गए हैं। बाकी 2 मकान 30 फुट रोड पे हैं, वो मैं समझता हूँ उससे थोड़ा कम रेट पे छूटेंगे, लेकिन लोगों में एक उत्साह है। मुझे खुशी ये कहते हुए कि लोगों का वापस राजस्थान आवासन मंडल की तरफ झुकाव बढ़ा है, रुझान बढ़ा है, लोगों का भरोसा इसमें आया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, राज्य सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने इसमें नियमित रूप से समीक्षा करके, नियमित रूप से निर्देश दे करके इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कहा हुआ है। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हाउसिंग बोर्ड अच्छा काम कर रहा है। पवन अरोड़ा के मुताबिक हर बुधवार नीलामी उत्सव की शुरुआत की जाएगी। इसमें ई ऑक्शन में शेष रहे मकानों की बिक्री बंद नीलामी प्रक्रिया से की जाएगी। जयपुर से अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।